Also download Ada Twenty Four Seven app. Don't forget to like, share, and subscribe Ada Twenty Four Seven channel. Also download Ada Twenty Four Seven app. Don't forget to like, share, and subscribe Ada Twenty Four Seven channel. Also download 24/7 app. Don't forget to like, share and subscribe. So good evening and namaskar, भाई सबका स्वागत है और 12 बज के बीस मिनट हो गए हैं स्टार्ट करते हैं आज अपने सेशन को और मुझे उम्मीद है आप सब एकदम तगड़े होंगे जबरदस्त होंगे है ना हां जी नमस्कार गुड आफ्टरनून स्वप्ना करुणा करण ऋषिकेश धमाल दीपन चक्रवर्ती गुड आफ्टरनून भाई रोहित शरण पारिका नमस्कार स्वागत है आप सभी का आज के इस ताबड़तोड़ सेशन जिसे हम इंडियन मिसाइल प्रोग्राम के नाम से जानते हैं तो इंडियन डिफेंस सेक्टर की जो उपलब्धियां हैं जो खासियत है जो टेक्नोलॉजी और साइंस का इस्तेमाल करके आज हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं इन द फील्ड ऑफ डिफेंस आइए देखते हैं कि उसमें भारत अपनी उपलब्धता कहां तक साबित कर पाई है और आज हमारी पावर इन द फील्ड ऑफ डिफेंस एंड डिफेंस सेक्टर कहां तक पहुंच पहुंचे तो जल्दी से एक बार सेशन को लाइक एंड शेयर तुरंत करिए और अड्डा की तरफ से आप सब देख रहे हैं कि एफकेट की पावर रिविजन बैच और एफकेट टू की कंप्लीट बैच स्टोर पे है स्टोर पे क्लासेस चल भी रही है फ्लैट 77 परसेंट आपको डिस्काउंट मिल रहा है ऑन कूपन कोड वाई डबल टू थ्री बेटा अगर अभी तक एनरोलमेंट नहीं कराया ना एफकेट के बैच पे तो जल्दी से जाओ दौड़ के है ना दौड़ के जाना है जल्दी मतलब दौड़ के मतलब दिमाग रूपी घोड़े के दिमाग रूपी घोड़े से एकदम दौड़ के जाइए गूगल प्ले स्टोर पे अंडर ट्वेंटी फोर सेवन ऐप डाउनलोड कीजिए अंडर ट्वेंटी फोर सेवन ऐप डाउनलोड करने के बाद क्या करना है तुरंत आपकी डिफेंस की महापैक को कर लेना है डिफेंस के महापैक से होगा क्या डिफेंस के महापैक से कंटिन्यूसली बारह महीने बिना किसी सेकंड थॉट के प्रिपरेशन तैयार स्टार्ट कर लोगे और भाई आज की जो खास इंफॉर्मेशन है वो बताना जरूरी है प्राइस के बारे में भैया दाम बढ़ जाए तो आपको भी दिक्कत होगी हमें भी दिक्कत होगी कि भैया ज्यादा क्यों लगा तो महापैक की प्राइस बढ़ने वाली है ऐसी इंटरनल न्यूज है भाई तो अभी लोवेस्ट प्राइस पे मिल रहा है तो क्यों ना खरीद ले सबसे पहली बात इंडिया के टॉप फैकल्टीज आपको पढ़ा रहे हैं अनलिमिटेड मॉक्स और अनलिमिटेड रोजाना डिस्कस हो रहे हैं स्ट्रक्चर्ड कंटेंट e के लिए आपको अड्डा की तरफ मिल रहे हैं तो बेटा आज ही सब्सक्राइब करिए और जल्दी से अपने महापैक को परचेज कर लीजिए आपकी कंप्लीट साइंस की जिम्मेदारी हमारी तैयारी तुम्हारी और जश्न जो होगा वो सबका होगा है ना सिलेक्शन के बाद तो तैयार है आप सब आज के इस शानदार सेशन इंडियन मिसाइल प्रोग्राम में बोलो या ना ये वीडियो अटक रहा है थोड़ा थोड़ा सा सा है ना एक बार थोड़ा सा मैं वीडियो को बंद कर लेता हूं ताकि आवाज हमारी पूरी आए और आप तक पूरा इंफॉर्मेशन ताबड़तोड़ तरीके से चलता रहे तो चलिए इंडियन मिसाइल प्रोग्राम में स्वागत करता हूं मैं आप सबका और देखते हैं कि भारत के मिसाइल प्रोग्राम में क्या वो सब चीजें हैं जिनको हमें जानना जरूरी है हमारी धरोहर हमारी धरोहर मातृभूमि जो भारतवर्ष है उसमें हमने क्या क्या इजाफा कर रखा है इंडियन मिसाइल प्रोग्राम के बारे में थोड़ा सा जानते हैं कल मैंने बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल के बारे में लास्ट डे दैट इज ऑन सैटरडे मैंने आपको बताया था चलिए इंडियन मिसाइल प्रोग्राम में सबसे पहले जो है दैट इज इंटीग्रेटेड जो सबसे पहला मिसाइल प्रोग्राम है दैट इज इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम गाइडेड मिसाइल किसे कहते हैं मतलब जिसके पूछ पे लग गया उसके पूछ पे ही जाके फटेगा तो भाषा में अगर समझे तो ऐसे समझेंगे इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम जिसे आईजीएमडीपी के नाम से भी जाना जाता है जिसे किस नाम से जाना जाता है आईजीएमडीपी के भी नाम से जाना जाता है आईजीएमडीपी के नाम से भी जाना जाता है आईजीएमडीपी के भी नाम से जाना जाता है ठीक है भैया देखते रहो ये जो आई है ना इट इज अ प्रोग्राम जिसमें रिसर्च और डेवलपमेंट एक रेंज ऑफ मिसाइल्स पे किया जाता है दिस इज अ डेवलपमेंटल प्रोग्राम इट इज अ डेवलपमेंटल प्रोग्राम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इट इज अ डेवलपमेंटल प्रोग्राम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गवेलप फॉर रिसर्च फॉर रिसर्च एस सी ए आर सी एच फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट डेवलपमेंट ऑफ ऑफ रिसर्च रिसर्च एंड एक प्रोग्राम है ताकि रिसर्च भी हो पाए अनुसंधान भी हो जाए और हम नए नए मिसाइल्स डेवलप भी कर पाए डेवलपमेंट ऑफ अ रेंज ऑफ मिसाइल्स वराइटी ऑफ मिसाइल्स हम बना भी पाए उसके लिए ये ऑर्गेनाइजेशन है भारत का IGMDP, IGMDP, बिल्कुल सही आप देख सकते हो कि डिफेंस अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन तरफ से आप सभी को थॉट ऑफ द डे शेयर किया गया है फेलियर इज द अपॉर्चुनिटी टू बिगिन अगेन मोर इंटेलिजेंटली अगर आप कभी पस्त होते हैं तो दोबारा खड़ा होने के लिए सबसे जरूरी है कि आपके अंदर वो जुनून और जज्बा भरा हो ये प्रोजेक्ट स्टार्ट कब हुआ था आईजीएमडीपी इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम आईजीएमडीपी स्टार्टेड इन कब स्टार्ट हुआ था इट स्टार्टेड इन उन्नीस से उन्नीस के बीच में ठीक है किसके लीडरशिप में अंडर लीडरशिप ऑफ मिसाइल मैन कौन थे अंडर लीडरशिप ऑफ मिसाइल मैन ऑफ इंडिया जिसे हम क्या कहते हैं जिन्हें हम किस नाम से जानते हैं लेट अब्दुल पाकुर पाकिर जैन अब्दीन अब्दुल कलाम के नाम से जानते हैं तो इट वॉज डन अंडर द लीडर ऑफ सर अब्दुल कलाम अब्दुल कलाम जी के सानिध्य में के सुपरविजन में ये आईजीएमटीपी, यानी इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट हुई थी ठीक है 8 जनवरी 2008 को ऑन जनवरी 8, 8 जनवरी 2008 को फाइनली डीआरडीओ अपनी आईजीएमडीपी का 8 जनवरी 2008 को डीआरडीओ यानी डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ अनाउंसड क्या अनाउंस किया कि भाई हमने बना लिया अनाउंसड सक्सेसफुल कंप्लीशन ये सब डेट्स ध्यान रखना है सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ क्या आई जी एम डी पी इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम कितनी बड़ी उपलब्धता होगी हमारे देश के लिए कितनी बड़ी उपलब्धता होगी कि डीआरडीओ ने 8 जनवरी 2008 को फक्र से कहा दो से ये काम चालू हुआ स्टार्ट हुआ इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम अंडर एपीजे अब्दुल और लेके अठारह छब्बीस सालों बाद आर नाउमीपी वी है इंटीग्रेटेड गाइडेड डिफेंस प्रोग्राम अब देखो चार प्रोजेक्ट अनाउंस किए गए इसके बाद चार प्रोजेक्ट अनाउंस किए गए फोर प्रोजेक्ट बर्थ अंडर आईजीएमडीपी इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर चार प्रोजेक्ट का जन्म हुआ कौन सा प्रोजेक्ट पहला प्रोजेक्ट था शॉर्ट शॉर्ट रेंज, शौर्ट रेंज कम दूरी तक सरफेस टू सरफेस सतह से सतह के बीच में अगर मारना है सरफेस टू सरफेस मिसाइल बनाया गया यह पहला प्रोजेक्ट था और इस मिसाइल प्रोजेक्ट का नाम एनीबडी पृथ्वी इसका नाम था कोडनेमड पृथ्वी नेम्ड पृथ्वी तो पृथ्वी वो मिसाइल्स हैं जो सरफेस टू सरफेस धरा से धरा पर ही मारते हैं दे आर सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स ये पहली प्रोग्राम थी दूसरी प्रोग्राम क्या थी शॉर्ट रेंज दूसरी प्रोग्राम है शॉर्ट रेंज लो लेवल लो लेवल एक बार शेयर करेंगे भाई अगर आपको लगता है कि सर ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है तो एक बार शेयर जरूर करेंगे सरफेस टू एयर मिसाइल जो है सरफेस टू एयर मिसाइल है वो प्रोजेक्ट दूसरा था और दैट वाज कोड नेम्ड त्रिशूल कोड नेम्ड त्रिशूल टी आर आई एस एच एल भारत देश का ये आईजीएमडीपी प्रोग्राम्स हैं ठीक है तो शॉर्ट रेंज लो लेवल सरफेस टू एयर मिसाइल नेम्ड त्रिशूल वाज नेम्ब उसके बाद तीसरा जो था तीसरा जो प्रोजेक्ट है वो है मीडियम रेंज मीडियम रेंज मतलब थोड़ी ज्यादा दूरी तय करे मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सरफेस टू एयर मिसाइल कोड नेम्ड आकाश कोड नेम्ड आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल है जिसका कोड नेम क्या है आकाश और आखिरी थर्ड जनरेशन थर्ड जनरेशन एंटी टैंक मिसाइल थर्ड जनरेशन एंटी टैंक मिसाइल की अगर बात करें थर्ड जनरेशन एंटी टैंक मिसाइल यह चौथा प्रोजेक्ट था और इसका कोड नेम रखा गया नाग एन ए जी तो ये चार सक्सेसफुल प्रोजेक्ट स्टार्ट किए गए आईजीएमडीपी के अंतर्गत आईजीएमडीपी के अंतर्गत जिसका नाम था कोड नेम पृथ्वी त्रिशूल आकाश और नाग पृथ्वी त्रिशूल आकाश और नाग ठीक है भैया क्या बात है आज इतने बच्चे कम क्यों दिख रहे हैं, हैं। क्या दिक्कत भाई जो अभी तक ज्वाइन नहीं कर पाए हैं बच्चों एक बार जल्दी से शेयर कर दो ताकि जो बच्चे अभी तक ज्वाइन नहीं कर पाए जल्दी से ज्वाइन कर लेंगे है ना और एक बार कमेंट में बोलो कि हाँ सर एकदम तगड़ा समझ में आ रहा है नोट कर रहे हैं ठीक है देखिएगा पहली जो फर्स्ट जो फर्स्ट इंटरिम टेस्ट रेंज थी वो बालासोर और, ओडिसा में थी और इसी को मिसाइल टेस्टिंग के लिए डेवलप किया गया था ठीक है ना अग्नि जो मिसाइल थी अग्नि मिसाइल के बारे में अगर मैं बात करूं अग्नि मिसाइल के बारे में मैं बात करने वाला हूं अग्नि मिसाइल पहले आईजीएमडीपी के अंतर्गत ही स्टार्ट किया गया था प्रोजेक्ट लेकिन बाद में उसको अपग्रेड कर दिया गया अग्नि मिसाइल, अग्नि वाज इनिशियली पार्ट ऑफ वाज इनिशियली पार्ट ऑफ आईजीएमडीपी इंटीग्रेटेड गाइडेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत ही था बट लेटर ऑन बट लेटर ऑन इट वॉज अपग्रेडेड लेटर वॉन इट वॉज अपग्रेडेड बाद में उसे अपग्रेड कर दिया गया इट वॉज अपग्रेडेड टू अस्टिकॉज अपग्रेडेड टू अस्टिक बाद में उसे बैलिस्टिक मिसाइल के रूप में अपग्रेड कर दिया गया और इसकी टेस्ट रेंज कहा बनाई गई बालासोर में और इसकी टेस्ट रेंज कहा थी बालासोर नीचे तो दिख ही नहीं रहा होगा मैं ऊपर लिख देता और इसकी जो टेस्ट रेंज थी इसकी जो टेस्ट रेंज थी इट वॉज इन बालासोर ओडिशा टेस्ट रेंज इन बालासोर और ओडिशा ओ आर आई एस एस ए अब आपको पता है ये चेंज हो चुका है ओडिशा में ओ डी आई एस एच ए तो टेस्ट रेंज इज इन बालासोर ओडिशा इसका अग्नि मिसाइल का पहले वो आई जी एम डी पी का ही था बाद में बाद में वो बैलिस्टिक मिसाइल में कन्वर्ट हो गया था चलिए इंडियन मिसाइल प्रोग्राम में अगले हम मिसाइल की जिसकी बात करेंगे उसका नाम है पृथ्वी मिसाइल उसका नाम है पृथ्वी मिसाइल जो चार सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स अंदर आईजीएमडीपी था उसके बारे में आज हम जानेंगे पृथ्वी मिसाइल पृथ्वी मिसाइल क्या है तो पृथ्वी मिसाइल इज अ टैक्टिकल इट इज अ टैक्टिकल सरफेस टू सरफेस टैक्टिकल सरफेस टू सरफेस शॉर्ट रेंज इट इज अ सरफेस टू सरफेस शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक बैलिस्टिक मिसाइल्स अब मिसाइल और क्रूज मिसाइल के अंदर मैंने आपको डिफरेंस बताया था कि अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी जब ये जाती है तो मल्टीपल टारगेट्स को हिट करने के लिए इसमें कुबत होती है तो पृथ्वी मिसाइल इज अ टैक्टिकल सरफेस टू सरफेस शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स डेवलप्ड बाई किसके द्वारा इसे डेवलप किया गया था तो इट वॉज डेवलप्ड बाई DRDO Defence Research Development Organisation. It was done by Defence Research Development Organisation. Defence Research Development Organisation. Organisation. सूरज शर्मा का कहना है सर बैलिस्टिक मिसाइल क्या है सर थोड़ा इसके बारे में बोलिए बिल्कुल बेटा सैटरडे वाले शो में आप जाइए क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल दोनों के ऊपर ही मैंने डिस्कशन कराया हुआ है ठीक है दोनों के ऊपर ही मैंने डिस्कशन कराया हुआ है ध्यान रखिएगा आई के अंदर डेवलप्ड बाय डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट प्रोग्राम अंडर आईजीएमडीपी ये ध्यान रखना इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर ही पृथ्वी को डेवलप किया गया था एंड पृथ्वी वाज़ द फर्स्ट मिसाइल पृथ्वी वो पहली मिसाइल भी थी पृथ्वी वाज़ द फर्स्ट मिसाइल पृथ्वी वॉज द फर्स्ट मिसाइल टू बी डेवलप्ड टू बी डेवलप्ड अंडर दिस प्रोग्राम टू बी डेवलप्ड अंडर दिस प्रोग्राम तो आई जी एम डी पी का सबसे पहला मिसाइल जो डेवलप किया गया था अगर सवाल यह आए तो वो कौन सा था पृथ्वी था पृथ्वी मिसाइल वॉज द फर्स्ट मिसाइल टू बी डेवलप्ड अंडर डी आर डी ओ विच वॉज स्टार्टेड अंडर द टॉपिक इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम ठीक है उसके बाद जो तो हमारी डी थी वो सरफेस टू एयर मिसाइल सरफेस टू एयर मिसाइल प्रोजेक्ट डेविल के नाम से स्टार्ट करा डी आर डी ओ अटेम्पटेड सक्सेसफुल नहीं थे दे अटेम्प्टेड डी आर डी ओ अटेप्टेड सरफेस टू एयर मिसाइल सरफेस टू एयर मिसाइल उन्होंने सोचा कि एक बनाते हैं सरफेस टू एयर मिसाइल कोड नेम्ड डेविल कोड नेम्ड डेविल दैत्य के नाम से वो बनाना चाहते और ये यूज क्या करने वाला था ये या तो सॉलिड फ्यूल या तो लिक्विड फूल यूज करने वाला था या तो सॉलिड फ्यूल वो यूज करने वाला था या फिर वो लिक्विड फ्यूल कोई भी यूज करने वाला था आइदर सॉलिड और लिक्विड या बोथ आइदर सॉलिड और लिक्विड या बोथ कोई भी इस्तेमाल करते थे लेकिन सिंस हमने इसका जो फॉर्मेशन था वो इसलिए किया था ताकि युद्ध क्षेत्रों में एक बैटलफील्ड मिसाइल की तरह काम करे और न्यूक्लियर वेपन को लेके भी चल सके न्यूक्लियर वेपन को लेके भी चल सके तो बाद में इसकी और मॉडिफिकेशन करी ध्यान तो रखना इट वॉज डेवलप्ड इट वॉज डेवलप्ड बाद में इसे और डेवलप किया गया इट वॉज डेवलप्ड एज अ बैटल फील्ड मिसाइल युद्ध क्षेत्रों में इस्तेमाल किए जाने वाले मिसाइल के रूप में इसे डेवलप किया गया सो दैट इट कुड सो दैट इट कुड इवन कैरी सो दैट इट कुड इवन कैरी अ न्यूक्लियर वॉरहेड इट कैन इवन कैरी अ न्यूक्लियर वॉरहेड न्यूक्लियर वॉरहेड मतलब न्यूक्लियर वॉर वेपन को भी लेके ये आगे चल सकता है और इसीलिए हम उसे क्या कहते हैं एज अ टैक्टिकल इसीलिए हम इसे टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन भी कह सकते हैं एज अ टैक्टिकल Weapon, as a tactical, as a की ही चल रही है तो पृथ्वी को ऐसा डेवलप किया गया कि वो एक न्यूक्लियर वेपन की तरह भी न्यूक्लियर वेपन को भी लेके चल सकता था और क्या किया गया पृथ्वी पे जो लैंड वेरियंट था पृथ्वी का जो लैंड वेरिएंट है पृथ्वी का लैंड वेरिएंट ऑफ पृथ्वी जो पृथ्वी के जो लैंड वेरिएंट मिसाइल्स हैं वो तो अलग है ठीक है लैंड वेरिएंट जो है लैंड वेरिएंट वो पृथ्वी के पृथ्वी के नाम से ही जाने जाते हैं मैं आपको लिख देता हूं लैंड वेरिएंट ऑफ पृथ्वी इज नोन एज पृथ्वी मिसाइल्स जो लैंड पे चलेगी वो सिर्फ पृथ्वी लिखी होगी ज पृथ्वी मिजाइल एंड नेवल वेरियंट जो समुद्रों में इस्तेमाल किया जाता है समुद्री युद्ध पोतों द्वारा उसके नाम है पृथ्वी वन और पृथ्वी टू तो कहीं भी पृथ्वी वन लिखा है मतलब वो नेवल वेरियंट है और पृथ्वी टू लिखा है मतलब वो भी नेवल वेरियंट है और सिर्फ पृथ्वी मिसाइल लिखी है मतलब वो लैंड वेरियंट है ठीक है अब ये जो पृथ्वी मिसाइल प्रोजेक्ट था पृथ्वी जो मिसाइल प्रोजेक्ट था रॉयल इंडियन नेवी रॉयल इंडियन नेवी भी इस्तेमाल करती है हमारी इंडियन नेवी भी इस्तेमाल करती है अब सवाल है कि सर नेवी कौन सा इस्तेमाल करती एयरफोर्स कौन सा इस्तेमाल कर सकती करती है और इंडियन आर्मी कौन सा इस्तेमाल करती है देखिएगा तो जो वेरिएंट्स हैं पृथ्वी के वो कौन कौन से कहा इस्तेमाल होते हैं वेरियंट्स ऑफ पृथ्वी मिसाइल वेरियंट्स ऑफ पृथ्वी मिसाइल डिफेंस so, के अलग अलग जो सेक्टर्स हैं उसमें कौन कौन से वेरिएंट पृथ्वी के किसके किसके पास हैं जरा जान, जान लेते हैं सबसे पहला पृथ्वी वन नेवल वेरिएंट है या लैंड वेरिएंट है जल्दी बताइए अभी समझाया था कि जब भी पृथ्वी वन हो या पृथ्वी टू हो या पृथ्वी थ्री हो ये सब हमारे नेवल वेरियंट होंगे लेकिन पृथ्वी वन जो है वो दिया गया है किसको आर्मी को तो दिस इज द आर्मी वर्शन पृथ्वी वन इज द आर्मी वर्शन रेंज है 150 किलोमीटर का 150 किलोमीटर रेंज है इसका और पेलोड इसमें पेलोड मतलब बम गोला बारूद ऑर्डिनेंस कितना भरा जाता है तो विथ पेलोड ऑफ 1000 थाउजेंड के जी एक का पेलोड रहता है इसमें ये आर्मी वर्षन है तो पृथ्वी का आर्मी वर्षन डेढ़ सौ किलोमीटर रेंज अ पेलोड ऑफ वन थाउजेंड किलोग्राम पृथ्वी टू इज द एयरफोर्स वर्षन ये एयरफोर्स में दिया गया है पृथ्वी टू इज द एयरफोर्स वर्षन इसका जो रेंज है वो तीन सौ पचास किलोमीटर है रेंज है तीन सौ पचास किलोमीटर और पेलोड इसमें भरा जाता है पांच सौ किलोग्राम का फाइव हंड्रेड किलोग्राम पृथ्वी थ्री जो वेरिएंट है पृथ्वी थ्री जो वेरिएंट है ये नेवल वर्षन की वेरिएंट है ये नेवल वर्षन है और इसकी जो रेंज है वो 350 किलोमीटर ही है 350 किलोमीटर सी है निमी वर्मा इस पे रेंज और पेलोड्स पे, पे क्वेश्चंस आते हैं और नाम पे रेंज पेलोड्स और नाम पे पेलोड इसमें भरा जाता है हजार किलोग्राम तो नेवल और आर्मी वर्षन में जो पेलोड होती है वो हजार होती है पृथ्वी 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 की थ्री है। रेंज अगर हम देखें तो एयरफोर्स और नेव, इंडियन इंडिया नेवी की जो रेंज है पृथ्वी की वो बराबर है साढ़े तीन सौ की है लेकिन आर्मी वर्षन वाली जो रेंज है वो कम है लेकिन उसमें पेलोड ज्यादा भरा जा रहा है हजार किलोग्राम के क्लियर तो 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 ये तो, ये तो थी हमारी पृथ्वी मिसाइल अब हम चलते हैं किसके तरफ त्रिशूल की तरफ अगली मिसाइल विच इज त्रिशूल त्रिशूल क्या है तो त्रिशूल इज अ शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल त्रिशूल क्या है इट इज शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल इंडिया द्वारा ही डेवलप किया गया था त्रिशूल वाज आल्सो डेवलप्ड से कहीं से बन के आया. भी एज अ पार्ट ऑफ आईजीएमडीपी एज अ पार्ट ऑफ आईजीएमडीपी आईजीएमडीपी बोले तो इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम आईजीएमडीपी इसकी रेंज कितनी होती है भाई तो इसकी जो रेंज होती है रेंज होती है वो 12 किलोमीटर की होती है और इसमें जो वॉरहेड होता है आगे जो वॉरहेड लगा होता है जो आगे जाके फटेगा वो होता है लगभग साढ़े पांच किलो फाइव पॉइंट का वॉरहेड लगा होता है ठीक है ये इस तरीके से डिजाइन किया गया है इट इज डिजाइंड स्पेसिफिकली इट इज डिजाइंड स्पेसिफिकली इस शानदार तरीके से स्पेसिफिकली इसलिए डिजाइन भी किया गया है। इट इज डिजाइन स्पेसिफिकली किस लिए सो दैट इट कैन बी यूज अगेंस्ट लो लेवल टारगेट इट इज डिजाइन स्पेसिफिकली स्पेसिफिकली फॉर लो लेवल टारगेट्स एट शॉर्ट रेंज तो छोटे दूरी पर अगर लो लेवल टारगेट्स हैं तो उनको मारने के लिए बिल्कुल सही होगा ठीक है कौन त्रिशूल ठीक है ठीक है ये जो त्रिशूल सिस्टम है इस त्रिशूल के बारे में भी और भी जानकारी है देखते रहिएगा ये जो त्रिशूल मिसाइल है दिस त्रिशूल मिसाइल इट वाज अ सिस्टम टू डिफेंड नेवल वेसल्स अगेन मिसाइल्स ये बनाया क्यों गया था तो इट वाज डिजाइंड इट वाज डिजाइंड टू प्रोटेक्ट टू प्रोटेक्ट नेवल वेसल्स टू प्रोटेक्ट नेवल टू प्रोटेक्ट नेवल वेसल्स अगेंस्ट मिसाइल तो जो दूसरे मिसाइल छोड़ रहे ना उन मिसाइल के खिलाफ उन missiles के खिलाफ त्रिशूल को इस्तेमाल किया जाता था और गाइडेड थे तो जो भी आ रहा था उसको फाड़ देते उसको. And also as, और किस रूप में एंड ऑल्सो एज शॉर्ट रेंज शॉर्ट रेंज सर्फेस टू एयर मिसाइल सरफे टू एयर मिसाइल शॉर्ट रेंज सर्फेस टू फिर ऑन लैंड पृथ्वी ठीक है मैंने इसके रेंज के बारे में बता ही दिया रेंज इसकी कितनी है 12 किलोमीटर की है और इसकी जो वॉरहेड फिटेड होती है त्रिशूल के बारे में यहाँ पे वॉरहेड 5.5 किलो का दिखाया गया ना शॉर्ट रेंज लेकिन अगर हम समझ लो सरफेस टू एयर मार रहे हैं अगर हम सरफेस टू एयर मार रहे हैं त्रिशूल अगर हम सरफेस टू एयर मार रहे हैं लो लेवल अगर सरफेस टू सरफेस मार रहे हैं लो लेवल अगर सरफेस टू सरफेस मार रहे हैं तो साढ़े पांच किलो का वॉरहेड दे, देना काफी होगा बारह किलोमीटर की दूरी तय कर देगा ठीक है बेटा एनडीए की जो कोर्स है वो स्टार्ट हो चुकी है शाम को गोपाल सर आपकी क्लासेस लेते हैं आप पूरी शेड्यूल चेक किया कीजिए डिफेंस अड्डा की रोजाना तब आपको पूरा हिसाब किताब पता चल जाएगा देखिएगा सरफेस टू तो, ये तो मैंने क्या बताया मतलब एयर टू एयर आके शॉर्ट टारगेट्स जब लैंड पे मारना होगा तो साढ़े पांच किलो का वॉरहेड लेके त्रिशूल चलेगा बारह किलोमीटर के रेंज तक और यही त्रिशूल अगर सरफेस टू एयर मारना होगा सरफेस टू एयर मारना होगा तो इट विल हैव अ रेंज ट्वेल्व किलोमीटर ट्वेल्व किलोमीटर का रेंज होगा और वॉरहेड कितनी की होगी वॉरहेड होगी अब पंद्रह किलो की पंद्रह किलो की वॉरहेड उसमें फिट होगी अगर इस मिसाइल का वेट बताएं तो त्रिशूल मिसाइल का जो वेट होता है लगभग 130 किलोग्राम होता है 130 किलोग्राम होगा तो 130 किलोग्राम में 15 किलो का वॉरहेड होता है और 12 किलोमीटर की इसकी रेंज होती है ठीक है वैसे अगर मैं बताऊं तो बड़े दुख की बात है कि इंडिया ने इस त्रिशूल मिसाइल की जो प्रोजेक्ट थी वो सत्ताईस फरवरी 2008 को बंद कर दिया था तो इंडिया ऑफिशियली शट डाउन दिस प्रोजेक्ट ऑन 27 फरवरी 2008 2008 में 27 फरवरी को इंडिया ने इसे क्या कर दिया था बंद कर दिया था बंद कर दिया था ठीक है इसके बाद अगली मिसाइल सिस्टम है आकाश मिसाइल सिस्टम आकाश मिसाइल सिस्टम अब आकाश मिसाइल सिस्टम में और बाकी मिसाइल सिस्टम में क्या डिफरेंस थी आकाश मिसाइल सिस्टम में और बाकी मिसाइल सिस्टम में क्या डिफरेंस जरा देखें आकाश मिसाइल की अगर मैं बात करूं आकाश इज अ सरफेस टू एयर सतह से हवा में सरफेस टू एयर मिसाइल है सरफेस टू एयर मिसाइल है इसे हम सैम भी कहते हैं सैम मिसाइल सरफेस टू एयर मिसाइल सैम मिसाइल और इट इज आल्सो अ पार्ट ऑफ आईजीएमडी आल्सो अ पार्ट ऑफ आई इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट ठीक है और इसकी रेंज क्या होती है मीडियम रेंज ना कम ना ज्यादा मीडियम रेंज सरफ़ेस टू एयर मिसाइल है सैम मिसाइल्स के नाम से भी जाना जाता है इट इज आल्सो अ पार्ट ऑफ आई एमडीपी इसकी वजह क्यों बंद किया वही तो मैं बता रहा हूं रीजन ही बता रहा हूँ सूरज आयुषी एक बार ध्यान दीजिए रीजन ही बता रहा हूं कि अब इसको डेवलप किया गया क्योंकि वो भी सर्फेस टू एयर था अगर आप त्रिशूल का देखो तो ये भी सरफेस टू एयर बारह किलोमीटर के रेंज में पंद्रह किलोमीटर के वॉरहेड के साथ तो चल ही रहा था लेकिन 27 फरवरी को बंद करने के बाद सत्ताईस फरवरी को बंद करने के बाद जब आकाश मिसाइल सिस्टम पे काम करना करना स्टार्ट किया गया तो भाई आकाश मिसाइल सिस्टम काफी तेज था ठीक है ना आकाश जो है इट फ्लाइज एट इट फ्लाइज एट सुपरसोनिक रेंज सुपरसोनिक स्पीड सबसे पहले ये सुपरसोनिक स्पीड से चलता है सुपरसोनिक स्पीड मतलब मोर देन स्पीड ऑफ साउंड ठीक है लगभग मैक नंबर 2.5 तक रीच कर जाता था मैक नंबर 2.5 तक रीच कर जाता था मैक नंबर 2.5 तक रीच करने का मतलब वन मैक इज इक्वल टू लगभग 3000 मीटर प्रति सेकंड एम तो एक मैक 3000 मीटर प्रति सेकंड है तो सोच लो ढाई मैक है मतलब लगभग क्लोज टू साढ़े या आठ के आसपास है लगभग साढ़े सात तो टू आठ के आसपास है मीटर प्रति सेकंड तो स्पीड सोचिए क्या है अगर इस आकाश मिसाइल सिस्टम की मैं कुछ खास बातें बताऊं तो डायामीटर जो इसकी व्यास होती है वो होती है 350 मिलीमीटर mm, 350 फिफ्टी एम एम इज 350 फिफ्टी जो लेंथ होती है ऑफ दिस मिसाइल इज 5820 मिलीमीटर mm, और जो वेट होती है आकाश मिसाइल की जो कि एडवांस थी त्रिशूल थे वो 710 किलोग्राम की होती है और पहले ये देखिए कितने किलो की थी ये तो टोटल 130 किलो की थी लेकिन भारी थी और ये देखो सस्ता हल्का ये कितना गुना लगभग भारी है लगभग चार पांच गुना भारी भी है तो चार पांच गुना भारी है तेज भी चल रहा है तो और कुछ भी खासियत रखी होगी बिल्कुल इसमें एक खासियत और सबसे बड़ी खासियत ये है कि इट इज अ सेल्फ डिस्ट्रक्ट डिवाइस इसमें सेल्फ डिस्ट्रक्ट डिवाइस भी इंस्टॉल्ड है सेल्फ डिस्ट्रक्ट डिवाइस इज इंस्टॉल्ड इसमें सेल्फ डिस्ट्रक्ट डिवाइस इंस्टॉल्ड इंस्टॉल्ड खुद से बर्बाद कर देने वाली डिवाइस भी इसमें इंस्टॉल्ड है okay. अब इसकी खासियत क्या क्या है आकाश की जरा उसका यह देख लो फंक्शनल फंक्शनल एडवांसमेंट ऑफ एडवांसमेंट ऑफ आकाश मिसाइल आकाश मिसाइल की जो फंक्शनल एडवांसमेंट थी वो क्या थी जरा उसके बारे में समझ तो आपको समझ में आएगा कि त्रिशूल को क्यों बंद किया और इसको क्यों स्टार्ट किया भाई इसमें सॉलिड रॉकेट प्रोपल्शन सिस्टम था सॉलिड रॉकेट प्रोपल्शन सिस्टम सॉलिड रॉकेट प्रोपल्शन सिस्टम के बाद कोडेड कमांड सिस्टम इसमें होता है इसमें कोडेड कमांड गाइडेंस सिस्टम लगा होता है प्री इंस्टॉल्ड कोडेड कमांड गाइडेंस सिस्टम है मदद से हम कभी भी इसको नाबूद भी कर सकते हैं तोल डिजिटली सेटेबल फ्रीक्वेंसीज होते हैं तोल डिजिटली है सेटेबल फ्रीक्वेंसीज जिस जिसपे हम इसको कार्य कराए करा सकते हैं फ्रीक्वेंसीज है। जिस पे हम इस मिसाइल को फंक्शनल करा सकते हैं इस पे डिजिटल एक ऑन बोर्ड प्रोसेसर होता है डिजिटल ऑन बोर्ड एक प्रोसेसर होता है इस मिसाइल में उसके बाद एक लंबी थर्मल पावर सोर्स होती है देर इज अ लॉन्ग थर्मल पावर सोर्स जिससे कि वो इग्नाइट कर सके और स्पेसिफिक पॉइंट पे हिट करके टारगेट को डिमोलिश कर सके हाई परफॉर्मेंस वॉरहेड है ये वॉरहेड जो कि प्री फ्रैगमेंटेड है हवा में में ही टूट टूट जाता है, है, याद रखना, it is a high performance warhead, जो अलग-अलग टुकड़ों -अलग जाती है when it is fired, और जाके जिसको जहां लड़ना है वो कर लेती उसके बाद और क्या है डिजिटल रेडियो फ्यूज है डिजिटल फ्यूज लगी हुई होती है इसमें डिजिटल फ्यूज लगी हुई, हुई के बाद स्विचेबल एंटीना होती है ऐसी एंटीनास लगी हैं जिसको हम स्विच कर सकते हैं स्विचेबल एंटीनास होती हैं अब आप बताओ त्रिशूल से क्या आकाश एडवांस्ड नहीं है उसके बाद सेफ्टी आर्मिंग मैकेनिज्म है मतलब जब वॉरहेड लोड किया जाए फायरिंग के लिए उसके अंदर तब भी सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा गया है ऐसा ना हो कि लोड करने में खुद ही उड़ जाए ऑटोमेटिक चेकआउट अगर टाइम सेट कर दो ऑटोमैटिक तो चेकआउट करेगा और हिट करेगा ऑटोमैटिक चेकआउट एंड लॉन्च सिस्टम इसमें इंस्टॉल्ड है ऑटोमैटिक चेकआउट एंड लॉन्च सिस्टम इंस्टॉल्ड और सबसे इंपॉर्टेंट ऑटोमैटिक अबॉर्ट सिस्टम भी है नहीं फायर करना तो ऑटोमैटिक अबॉर्ट सिस्टम भी लगी हुई है ये सारी उपलब्धियां इसको किससे अलग बनाती है इसको अलग बनाती हैं इससे त्रिशूल से तो त्रिशूल बन तो हुआ लेकिन जब आकाश आया तो आकाश एक नई रेवोल्यूशन क्रिएट करता है इन द फील्ड ऑफ डिफेंस सेक्टर इन इंडिया बोलो हाँ या ना अब जल्दी से बताइए आज का ये सेशन कैसा लगा आप सभी को कुछ इंफॉर्मेशन जो मैंने आज आपको दी है इंडियन मिसाइल सिस्टम के बारे में वो आपको कैसा लगा मैंने क्या क्या बताया आज आपको जरा एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या हमने आज पढ़ा है तो इंडियन मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम में सबसे पहले हमने बात करा आई जी एम डी पी यानी इंटीग्रेटेड प्रोग्राम के बारे में जो कि स्टार्ट हुआ था हमारे डीआरडीओ के थ्रू डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट प्रोग्राम के थ्रू आठ जनवरी दो हजार आठ को उन्होंने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया था स्टार्ट किया था उन्नीस सौ बयासी में अब्दुल कलाम जी के रेस्पेक्ट में चार प्रोजेक्ट लिए गए थे जिसमें शॉर्ट रेंज सर्फेस टू सेफ सर्फेस मिसाइल था कोड नेम पृथ्वी शॉर्ट रेंज लो लेवल सर्फेस टू एयर मिसाइल था कोड नेम त्रिशूल उसके बाद आकाश मिसाइल आया मीडियम रेंज सर्फेस टू एयर मिसाइल कोड नेम आकाश और थर्ड जनरेशन एंटी टैंक मिसाइल नाग भी आया इसके बारे में हम कल डिस्कशन करेंगे अग्नि मिसाइल पहले आईजीएमडीपी का ही प्रोग्राम था लेकिन बाद में इसे एक बैलिस्टिक मिसाइल के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया पृथ्वी मिसाइल के बारे में बात करूं टैक्टिकल सर्फेस टू सर्फेस शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है डीआरडीओ के द्वारा डेवलप किया गया था अंडर आईजीएमडीपी और ये पहली मिसाइल थी आईजीएमडीपी के अंदर डीआरडीओ ने पहले इस मिसाइल को डेविल के नाम से रचा था जिसमें सॉलिड फ्यूल या लिक्विड फ्यूल व दोनों ही इस्तेमाल किया जा सकता था पहले तो इसे युद्धपोत की तरह इस्तेमाल पहले तो इसे युद्धपोत की तरह इस्तेमाल किया जाता था इस तरीके से ताकि ये न्यूक्लियर वॉरहेड भी कैरी कर सके अपने साथ और इसका जो लैंड वेरियंट था वो पृथ्वी के नाम से जाना जाता है और सी वेरियंट या नेवल वेरियंट हम पृथ्वी वन या पृथ्वी टू के नाम से जानते हैं पृथ्वी की जो मिसाइल प्रोजेक्ट्स ना केवल इंडियन आर्मी में गई बल्कि इंडियन एयरफोर्स में भी गई और इंडियन नेवी में भी गई अब इंडियन आर्मी में कौन सा गया इंडियन नेवी में कौन गया और इंडियन एयरफोर्स में कौन गया वो देखिए पृथ्वी बन गया इंडियन आर्मी वर्षन डेढ़ सौ किलोमीटर का रेंज विथ अ पेलोड ऑफ वन थाउजेंड किलोग्राम हजार किलोग्राम उसमें पेलोड था उसके बाद था क्या है पृथ्वी टू एयरफोर्स को दिया गया है पेलोड है पांच सौ किलोग्राम और उसका रेंज जो है वो साढ़े तीन सौ का है पृथ्वी थ्री गया है नेवल वर्शन पेलोड है आ, हजार का लेकिन इसका रेंज है साढ़े तीन सौ का रेंजेस इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत ही आया इसकी रेंज बारह किलोमीटर की और वॉर साढ़े पांच किलोमीटर की कब जब ये सरफेस टू एयर छोड़ रहा था लो लेवल टारगेट के लिए लेकिन जब आप सरफेस टू एयर रेंज उतने पर ही बहुत ही क्लोज लेवल मारना है तो उस दौरान उसका एक दूसरा वेरिएंट भी ये अपग्रेड किया गया जिसकी वजन 15 किलो की थी तो अंदर अब वॉरहेड 15 किलो की रखी गई पहले जो वॉरहेड था वो साढ़े पांच किलो की ही थी

डिजिटल ऑनबोर्ड प्रोसेसर भी है जिससे हम इसका एक्सेस बदल सकते हैं लॉन्ग थर्मल पावर सोर्स है, है जिससे हम हीट करके वॉलेट को बाहर निकाल सकते हैं चौथा हाई परफॉर्मेंस वॉरहेड है प्री फ्रेगमेंट्रेड मतलब हवा में जाने के बाद ये टुकड़ों में टूट के जिसको जहां जाना है वो जा, चला जाता है अब एंटेना थोड़ी फाड़ने की जरूरत है हमें तो मिसाइल फाड़ने की जरूरत है तो बाकी जो चीजें हैं वो वापस हम बेस पे रिटर्न भी कर सकते हैं और जिसे वा, जिस वॉरहेड को जिस टारगेट पे हमें फायर करना है वो फायर भी हो जाती है ऑटोमेटिकली अबॉट सिस्टम लगी हुई है डिजिटल फ्यूजेस लगे हुए हैं हैंज हैं सेफ्टी आर्मिंग मैकेनिज्म लगे हुए हैं और ऑटोमेटिक चेकआउट एंड लॉन्च सिस्टम इसमें प्री इंस्टॉल्ड है ये वजह है कि आकाश ओवरकेम अपॉन पृथ्वी एंड त्रिशूल मिसाइल्स तो ऐसा नहीं है कि उन सबको सब सब ही बंद कर दिया गया नहीं लेकिन उनकी जरूरत नहीं थी जिनकी जरूरत कोई और फुलफिल कर रही थी तो जिसका कुछ और काम था उसको रखा गया और जिसका कोई काम कोई काम और कर सकता था उसके रेस्पेक्ट में उसको मॉडिफाई कर दिया गया जैसे कि आ, आकाश विद रिस्पेक्ट टू त्रिशूल त्रिशूल के रेस्पेक्ट में आकाश वॉज मोस्ट फंक्शनल मुझे उम्मीद है आज का सेशन आप सभी को अच्छा लगा ठीक है तो एक बार इस सेशन को जल्द जरूर शेयर कीजिएगा ऐसे ही रोजाना मैं सेशंस लेके आऊंगा आप सभी के लिए एवरी डे मेरी टाइमिंग जो है आप याद रखिएगा कल से डिफेंस अड्डा पे जो आपकी टाइमिंग है वो बारह बज के पंद्रह मिनट का होगा ट्वेल्व फिफ्टीन पी एम बारह बज के पंद्रह मिनट एवरीडे ठीक है और जो बच्चे अभी तक एफकेट के बैच में एनरोलमेंट नहीं कराए बेटा अब क्या साल बीत जाएगा तब एनरोलमेंट कराओगे एफकेट टू की कंप्लीट अगर प्रिपरेशन करनी है साइंस की तो कंप्लीट साइंस मैं ही पढ़ाने वाला हूं जल्दी से खरीद लेना कूपन कोड वाई डबल टू थ्री लगा लेना मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए और डोंट गो फॉर इंडिविजुअल बैचेस मैं आपको बताऊंगा डिफेंस का महापैक परचेज करना ना भूलिए और मैंने बताया ही है कि महापैक के प्राइस बढ़ने वाले हैं तो डिफेंस का महापैक वाई डबल टू थ्री कूपन कोड लगा के सारे जो भी बैचेस हैं उसमें आ जाओ और पढ़ाई करो कोई नहीं भैया जो मिस हो गया वो बाद में देख लेना आज के लिए बस इतना ही फिर मिलते हैं जय हिंद जय भारत Don't forget to like, share and subscribe.